तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले यानी उज्जैन की सड़क पर बैठकर पाटीदार समाज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि एक समुदाय के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को तोड़ दिया गया, जिसके बाद उज्जैन में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पिछले दो दिनों से काफी चर्चा में है। चर्चा दो पक्षों में विवाद को लेकर है। विवाद दो महापुरुषों की मूर्ति लगाने को लेकर है। दरअसल एक मैदान पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई थी, जिसको एक समुदाय के द्वारा तोड़ दिया गया। ट्रैक्टर के द्वारा लाठी डंडों से इस मूर्ति को गिरा दिया गया, जिसके बाद दो पक्षों के बीच में विवाद हो गया। आपको बता दें कि इस पूरी जमीन पर भीम आर्मी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगवाना चाह रही थी, लेकिन पाटीदार समाज के द्वारा यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगा दी गई, जिसके बाद ये विवाद हुआ। इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुछ पुलिस वालों को पद से हटाया भी गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर पाटीदार समुदाय अब एक्शन की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि पाटीदार समुदाय अब मूर्ति तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। सर अभी तक क्या कार्रवाई? उज्जैन जिले के थाना माकड़ अंतर्गत एक घटनाक्रम सामने आया था, जहां पे प्रतिमा लगाने को लेके जो गलत तरीके से लगाई गई और फिर उसको जिस तरीके से हटाया गया, दोनों ही विधि विरुद्ध था। इसको लेके पथराव की स्थिति बनी थी, जिसमें घटनास्थल पर तुरंत पहुँच के उसको नियंत्रण में रखा गया। अभी जो यातायात है और ट्रैफिक है सुचारू रूप से चल रहा है और बाजार है पूरी तरीके से खुला हुआ है। प्रमुख जितने भी मार्ग हैं, कस्बे हैं, उसमें लगातार फ्लैग मार्च, एरिया डोमिनेशन वगैरह हो रहा है। इसमें फुटेज के आधार पे जो छह लोग हैं जिनके द्वारा ट्रैक्टर चला के इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, वो जिनका ट्रैक्टर है वो, और चार अतिरिक्त लोग हैं जिनको अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है। और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई जिनके द्वारा कानून को अपने हाथ में लिया गया है उनके विरुद्ध की जाएगी। सर ये जो चार लोग हैं कौन से पक्ष के हैं, जिन्होंने ट्रैक्टर चढ़ाया था वो या फिर जिन्होंने? इसमें जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, इसमें किस संगठन की, किस व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, एक बार प्रॉपर इसमें जब जानकारी आ जाएगी तो उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी नजर आ रही है, सर उनको भी राउंड अप किया गया? जी, इसमें महिलाओं को भी राउंड अप नहीं किया गया है। फुटेज के आधार पर जो जो महिलाएं चिन्हांकित होगी, जिनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, उसमें चलानी कार्रवाई की जाएगी। पाटीदार समुदाय की मांग है कि जिस ट्रैक्टर से इस मूर्ति को तोड़ा गया है उसे जब्त कर लिया जाए, साथ ही मूर्ति तोड़ने वालों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो, यानी कि उनके घर को बुलडोजर से जमींदोज किया जाए। आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला उज्जैन के मार्कडोन मंडी गेट का है, जहां पर जमीन खाली थी। इस खाली जमीन में भीम आर्मी चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगे, लेकिन पाटीदार समाज के लोग सरदार पटेल की मूर्ति लगाने की मांग कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में मार्कडोन थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो मामले को दर्ज करके जिन्होंने उपद्रव किया उनकी शिनाख्त करके उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात भी कर रही हैं। लेकिन फिलहाल पाटीदार समुदाय की तरफ से एक बड़ी मांग यहां पर रख दी गई है।